बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख्वाब में जलजला देखना, ख्वाब में जलजला देखना, तीन अल्लाह वालों से ये ख्वाब मरवी है। हज़रत सरीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें, फेसबुक पे इसको शेयर करें और इसके अलावा टिकटॉक पे इसको शेयर करें, इसलिए कि हम आपके साथ ईमानदारी के साथ बात करते हैं, हम आपको जो सही बात है वो बताते हैं। तो हजरत सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि जमीन हरकत कर रही है, जमीन हरकत कर रही है, जलजला आया हुआ है, तो इस हरकत के मुताबिक, इस जमीन के हरकत के मुताबिक इस मुल्क के बाशिंदों को बादशाह से रंज पहुंचेगा, बादशाह से रंज पहुंचेगा और इनको तकलीफ आएगी और इनके ऊपर कोई बीमारी मुसल्लत होगी और उस बीमारी में ये परेशान होंगे और इनके ऊपर कोई आफत आएगी और इनके ऊपर कोई बला पड़ेगी। अब बात यहां पे ये है कि बादशाह की तरफ से कैसे ये सारा कुछ आएगा, तो ये है कि एक मुल्क का बादशाह है और वो उस मुल्क के अंदर है और उसके नीचे जितने भी लोग हैं, कोई पुलिस में है, कोई अदालत में है, कोई सरकारी ऑफिस के अंदर है, कोई कहां पे, कोई कहां पे, तो बादशाह से मुराद कि ये मुल्क के जो लोग हैं, या तो ये किसी केस में फंस जाएगा या इसके ऊपर कोई झूठा मुकदमा आ जाएगा या इसको कोई ऐसे परेशान करेगा, कोई चोट लगेगी, कोई हादसा होगा, उससे इसको बीमारी बन जाएगी, और या तो ये किसी न किसी ऐसे फितने में पड़ जाएगा। तो इस तरह की अगर किसी को ख्वाब आए तो वो क्या करे, इस तरह की ख्वाब अगर किसी को आए तो वो क्या करे, किसी को बताए नहीं, किसी को वो बताए नहीं, एक तो फौरन फौरन कोई सदका निकाल दे। और सदके के बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता है कि फरमाते हैं, इसका मफहूम है, एक सांप किसी को डसने के लिए निकला और एक बंदे ने घर से निकलते हुए सदका दिया तो वो सदका सीधा उस सांप के मुंह में चला जाता है, वो सांप भी मुड़ जाता है। तो इसलिए एक तो सदका निकालें, दूसरा इस्तिगफार की कसरत करें, इस्तिगफार की कसरत करें। अब इसमें कुछ लोग पढ़ते हैं अस्तगफार, अस्तगफार ये नहीं है बल्कि अस्तगफिरुल्लाह, या ये पढ़ ले, या ये पढ़ ले अल्लाहुम्मग़फिरली, या ये पढ़ ले, या अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैही, ये पढ़ ले और तीन दिन मुसलसल सदका दे और तीन दिन मुसलसल एक एक हजार मरतबा वो इस्तिगफार पढ़े, क्योंकि इस्तिगफार पढ़ने से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको ये जो ख्वाब आई है, इस ख्वाब का जो जरर होगा, जो इसकी परेशानी होगी, जो इसके ऊपर कोई मुसीबत है, कोई आफत है, कोई बला है, कोई फितना है, कोई मुसीबत है, कुछ भी है, कोई बीमारी है, तो अल्लाह के फजल व करम से ये इस ख्वाब की मुसीबत बला और परेशानी और रंज से और आफत और फितने से ये बंदा महफूज रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।